तो कैसे सो हे गेमर गैंग, स्वागत तुम सभी का और ब्रांड न्यू PUBG द वैरायटी की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से अपनी सभी गैंग मेंबर्स को हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी वीडियो पे नया आ रहा है उन सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ ये साल तुम सभी लोगों का बहुत बढ़िया जाए। और मेरे को कुछ स्पेशल करना आता नहीं यार, तो वही रेगुलर की तरफ से एक तड़कते भड़कते गेम प्ले वीडियो के साथ में आ चुके वापस, जिसमें कि अपन उतर रखे आई साइलेंट और अपनी वाली जगह पे ना एक दरअसल बंदा उतर रखा है। दरअसल मैं जब भी आई सैलून उतरता हूँ ना यहीं पर लैंड करता हूँ, इसीलिए मैं इसको अपनी वाली जगह बोल रहा हूँ। खैर यहाँ पर एक और बंदा है पीछे की तरफ, जिसको कि शायद अपनी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, और इसका नाम पढ़ के तुमको पता चल जाता है कि ये बंदा पॉलिटिक्स पे कितना ज़्यादा ध्यान देता है। और इस जगह में एक आधा किल चोरी ना कर तो भाई पेट नहीं भरता। फिलहाल पीछे की तरफ एक और बंदा मैंने नॉक कर रखा है, तो जाकर इसकी पेटी कंप्लीट बनाते इससे पहले कि इसके टीममेट वीममेट आकर रिवाइव दे जाए इसे कोई थे। और यहाँ पर कुछ भरोसा नहीं है, कब तुम्हारा किल कहाँ से कोई चोरी करके चला जाए, कब तुमको तुमने जो नॉक करके बंदा छोड़ा वो कहीं पर कोने में जाकर छुप कर रिवाइव हो जाए भैया, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर देखो सामने की तरफ तीन तीन बंदे दिखते हैं मेरे को। यहाँ पर मैंने सोचा सामने जाने से अच्छा ना चुपचाप से वापस फॉल बैक कर लेते भैया, निकल लो पहली फुर्सत में, निकल लो कहीं पर सेफ लोकेशन ढूंढ लो, उसके बाद जाके बंदों की पेटी बनाओ। अगर ऐसे मुंह पे घुस गए बंदों के तो तीन तीन बंदे सीधा पेटी बना के ही छोड़ेंगे, मतलब वहीं पर खोद के वहीं पर गाड़ देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर छत के ऊपर चढ़ता हूँ और यहाँ से एक बंदे को नॉक करता हूँ। मॉर्टल भैया आए थे कतई यहाँ पर, इनको नॉक तो कर दिया लेकिन मेरी फूटी किस्मत किल कहीं और चला जाता। वहाँ पर ना और टोटल तीन बंदे थे, तुमको दिखाई था जब मैं वहाँ से भागा था भैया दुम दबा के, तो वहाँ पर टोटल तीन बंदे थे लेकिन जाते जाते ना वहाँ पर दो ही बंदे बचते हैं। अब देखो मैं सामने से तो जा नहीं सकता था क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने बंदे हैं वहाँ पे, इसलिए मैं रोटेट करके जाता हूँ। मुझे लगा था होंगे यार तीन चार बंदे, लेकिन ऐसा नहीं होता, मेरे पहुँचते पहुँचते वहाँ पर सिर्फ दो ही बंदे बचते हैं, जिसमें से एक तो नॉक पड़ा रहता है बेचारा। तो भाई लोग जो अभी हरकत की ना मैंने, उससे साफ साफ पता चलता है कि मैं किल का कितना ज़्यादा बड़ा भूखा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा लालच मेरे अंदर। मैं चाहता तो उस बंदे को जो बंदा बचा था उसको फिनिश करके कहानी खत्म कर सकता था यहाँ पे, लेकिन नहीं, जो बंदा नॉक पड़ा ना उसका भी किल मेरे को चाहिए। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे अंदर किल केडी कंटेंट की लालच ना कतई फूक फूक के बड़ी पड़ी। अब इसके चक्कर में ये मत भूल जाओ कि यहाँ पर मैंने आइस आइलैंड क्लियर कर रखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और आगे जाकर बहुत ज़्यादा तबाही मचने वाली है। तो जो भी अपनी ज़रूरत की सामान है ना जल्दी से यहाँ पर उठाते हैं और सीधा आइस आइलैंड छोड़ कर निकलते हैं कहीं और। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा ना, जैसे तैसे बचते बिचाते मैं इस साइड आ जाता, और यहाँ पर कुछ बंदे थे जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे भैया, सांस रोक कर मेरे को पानी के अंदर घुसते घुसते यहाँ तक आना पड़ा। अब क्या है ना, ये जो बंदे हैं ना एक इस साइड बैठा है एक इस साइड बैठा है, अगर मैं सामने से गया तो भर देंगे मेरे को। मैं सोच रहा था कि कोई एक आधा गलती करे लेकिन ऐसा होता ही नहीं, और जब तक मैं स्मोक स्मोक डालता हूँ भाई साहब गाड़ी लेके भाग गए होते हैं। मानता हूँ यहाँ पर दो दो गाड़ियाँ होती लेकिन दोनों की दोनों गाड़ियाँ लेके भाग गए होते हैं यार, जिसकी वजह से हमको डांडी यात्रा करनी पड़ती है पूरी सिंह डेल्टा तक, और वहाँ पर फाइनली एक गाड़ी मेरे को दिखती है। और ये बंदा कितना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था नोटिस किया तुम लोगों ने, क्या ही होगा यार। अब एस्ट्रॉल के जब बंदों के हाथ में होती है ना तो वो ये नहीं देखते कि सामने वाले बंदे हाथ में एस्ट्रॉल के है या क्या है उसके हाथ में, बस यार सीधा आ जाते हैं रश करने, मतलब एकदम चौड़ में, और कभी कभार पिल भी जाते हैं। वो भी सीन है जैसे कि अभी ये पिल गया बेचारा, खैर ये शायद सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, जो भी उसकी पेटी बन चुकी है यहाँ पर। अब जो ना गाड़ी उठाते हैं और फिर और भी बंदों की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि यार अभी बहुत ज़्यादा किल होने वाले, लिटरली सात ही किल है, बट अभी तो बूम बाम बचने वाला पूरे गेम में। अब यहाँ पर मैं गाड़ी लेकर निकल ही रहा था, सेंटर लोड से होके एकदम फायर शॉट का साउंड आते हैं, और चूंकि सामने की तरफ ही भसड़ मच रही है बहुत बुरी तरह, सब जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं एक आधा बंदे तो वैसे ही दिख जाते हैं। अब क्योंकि जो सामने घर में बंदे हैं ना वो किसी और से फाइट लेने में बिजी रहते, तो इस नेट के लिए यार एक लाइक जोर से कर देना, और चैनल पर जो भी रैंडम बंदा चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी गेमर गैंग के साथ हो सकता है। अब आई थिंक ऊपर तीन बंदे थे टोटल, जिसमें से कि दो बंदे एक नेट से नॉक हो चुके, और इनका जो लास्ट बंदा रहता है तीसरा वो भी बहुत ज़्यादा लेट रहता है। मैंने सोचा एक और नेट कर दूँ लेकिन ये नेट इतना कुछ खासा काम नहीं आता, तो अब रश करने की बारी है। अब इन सभी की पेटियों से हरा धुआं निकाल कर इनको लॉबी भेज दिया गया। अब इतने में एक गाड़ी दिखती है जो कि बगल से गुजर रही थी, और पता नहीं कौन सा वाला महंगा माल फूक के गाड़ी चला रहा था बंदा, दरअसल वो वाला नशा मेरे को भी दो बे कोई।
सामने गाड़ी देख देख देख। और मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे को हमने अभी गाड़ी से उतारा ना, वो बंदा इस गाड़ी के ड्राइवर को बहुत ही भर भर के गालियाँ दे रहा होगा। मतलब कही रहा होगा कि भैया तेरा तो पिंग हाई था, लेकिन उसके चक्कर में तूने मेरी पेटी बनवा दी यहाँ पे। खैर छोड़ो, बाकी जो उसका ड्राइवर था ना, उसको भी बहुत ज्यादा लेट किया था, तो गाड़ी उठाकर रश करना तो बनता है। और वो बंदे ओल्ड बाइसिन की तरफ गए थे, पता नहीं क्या सोच के गए थे, लेकिन आउट ऑफ द जोन है वे ओल्ड बाइसिन। तो हम भी गाड़ी लगा देते उनके पीछे। अब वो देखना सामने आते हुए दिख जाते हैं। और अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ माल वाल की बात कर रहा था, तो इन बंदों ने सच में गांजा फूंक रखा था। इनका एक टीममेट चलती गाड़ी से डेजर्ट ईगल चला रहा था। बताओ भाई ये क्या बात हुई। खैर यहाँ पर तुमको फास्ट एंड फ्यूरियस का सीन देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, तो ये इंजॉय करो। लेकिन वो बंदे ना दौड़ाते दौड़ाते किसी और ही जगह में गाड़ी घुसा देते हैं, जहाँ पर अलग से एक स्क्वाड रहते, तो उनकी पेटी तो बन जाती है, लेकिन इनके चक्कर में हमको भी यहाँ से अच्छे खासे किल मिलने वाले हैं। हमने कर दिया है, रुक जा मेरे नेट से घंटा के लिए। अभी सिख साथ जो थर्ड हिल में एक स्क्वाड थी, यहाँ पर इन सभी की पेटियों से हरा धुआं निकाल दिया गया। अब यहाँ पर एक बंदा दिखता है जो कि भाई अपने ही मगन में रहता, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है उसे उसको कोई लेना देना नहीं है। सामने वर्ल्ड वॉर चल जाए लेकिन उसको पेटी लूटनी है। यहाँ पर हमने इतनी गंदी भसड़ मचा रखी है, फिर भी वो बंदा मजे में आकर सामने पेटी लूट रहा रहता है। और बी लैक भाई साहब भी यहाँ पर एस्ट्रल के वाले थे, मतलब इससे तुमको साफ साफ पता चल जाता है कि एस्ट्रल के वालों का ना कुछ कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता है। मतलब हमारा मीडियम पे रहता है लेकिन उनका अल्ट्रा हाई लेवल पे रहता है। चाहे सामने एक स्क्वाड ही क्यों ना आ जाए, खिला देंगे एस्ट्रल के से, ऐसा सोच के चलते हैं वो लोग। लेकिन कभी कभार हम जैसे बंदे भी आ जाते जो कि एस्ट्रल के वालों को भी निपटा के चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखो जोन भी ना कुछ ज़्यादा ही अलग जगह पर बना हुआ था, और यहाँ पर हमारे सिवा सिर्फ 5 ही बंदे बच रहे हैं। मतलब 20 किल करना है ना, तो कुछ और ही ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम गाड़ी उठाते सीधा और जोन होल्ड कर लेते जाकर। लेकिन जैसे ही जोन में पहुंचते हैं, यहाँ पर एक आधा बंदे मिल जाते हैं जो कि इस घर में आ चुके थे, जिस घर में अभी एक स्कॉट को निपटा के गए थे। अब देखो यहाँ पर क्वीन ऊपर एक नेट कर देती, जिससे कि एक बंदा यहाँ पर नॉक हो जाता है, और इसी के साथ मेरा 20 किल करने का सपना यहाँ पे सपना ही रह जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और आगे जाकर करेंगे, तो भी शुरुआत है नए साल की, आगे तो बहुत ही तबाही मचने वाली। खैर एक बंदा बाहर है, और पता नहीं क्यों आज मैं पता दो दो तीन तीन एस्ट्रॉल के वालों को निपटा चुका हूँ एक ही गेम प्ले में। कल शायद गेम प्ले डाला था तो उसमें तीन तीन बार एस्ट्रॉल के वालों से मर चुका था। तो मतलब सीन कुछ ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, अलग ही लेवल का यहाँ पे भूत चढ़ जाता है मेरे अंदर। अब क्या ही बताओ यार, बाकी जो दो बंदे बच रहे हैं ना, देख लो एक बार अलाइव फील्ड में हमारे सिवा सिर्फ दो ही बंदे बच रहे हैं जो कि थर्ड हिल की तरफ होते हैं बहुत ही दूर। हम सोचते हैं यार इससे पहले कि वो जोन में रहकर आत्महत्या कर दे, हम उनको आने देते हैं जोन में। अब देखो वो बंदे वहां से प्रस्थान कर चुके थे जोन के लिए, तो मैं भी सोचता हूँ, अब मुझे पता था यार वो एकदम से यहाँ पर रश तो करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो गए, तो पहले वो हील विल लगाएंगे। इसलिए मैं ही ना उनका स्वागत करने के लिए एकदम एंट्री गेट पे जाकर खड़ा होता हूँ, एकदम जोन के किनारे पे। और जैसे ही वो आते हैं फिर उनका स्वागत मतलब बहुत ही मस्त तरीके से करता हूँ, एकदम AKM के साथ। और इसी साथ कर लेते हैं यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर। 10 मिनट का गेम प्ले नहीं हुआ क्या? तो आई होप तुम लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से पसंद होगी। लास्ट में एक छोटा मोटा मॉन्टेज है 1 मिनट का, वो देखकर चले जाना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं मिलता हूँ कल किसी और नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में तगड़े से गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए एंजॉय। अरे डीजे ओपी है आज, मुझे पता नहीं कहाँ पे आ रहा है, समझ नहीं सकती सुबह से।
हेल्प करो यार, ये मर जाएंगे।